गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट टॉपिक टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। आधुनिक युग में अगर हम देखें तो निर्णय की कुछ तकनीकें एवं विधियों का विकास हुआ है जिनकी सहायता से एक प्रबंधक सही निर्णय लेने में सफल हो पाता है। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक निर्णय लेने के लिए एक प्रबंधक किस किन प्रकार से तकनीकों का उपयोग कर सकता है। बेसिकली अगर हम देखें तो हर्बर्ट ए साइमन जो प्रबंधनशास्त्री हैं उनके द्वारा निर्णय की वो तकनीकें अब बताई गई हैं जिसको उन्होंने परंपरागत और आधुनिक तकनीकों की संज्ञा दी है। तो परंपरागत तकनीकों में तकनीकें शामिल होंगी जो परंपरागत रूप से पुराने समय में अधिक अपनाई जाती थी। आधुनिक तकनीकों में हम उन सांख्यिकी विधियों का उपयोग करेंगे जो सांख्यिकी विधियों के आधार पर तकनीकें निर्णय की लागू की जाएंगी वह आधुनिक टेक्निक्स में मानी जाएंगे। तो अब हम देखते हैं निर्णय लेने के लिए हम किस किस प्रकार से तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो व्यक्तिगत स्वभाव और अनुभव निर्णय लेने की तकनीक के रूप में हो सकती है। वो किस प्रकार, क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज हम मानव हैं और एक मानव का स्वभाव हर प्रकार से अलग अलग होता है। एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से बिल्कुल भिन्न होता है। हो सकता है कुछ समानताएँ उसमें पाई जाए परंतु पूर्णतः एक तरह एक दूसरे के विचार कभी समान नहीं होंगे। तो निर्णय लेने के लिए व्यक्ति अपने स्वभाव और अनुभव का उपयोग कर सकता है। भूतपूर्व अनुभवों के आधार पर व्यक्ति निर्णय लेने में उसको सहायता मिलती है कि भूतकाल में क्या परिस्थिति थी, उसमें हमने क्या निर्णय लिया था और उसके हमें क्या परिणाम मिले थे। इसी प्रकार अपने स्वभाव के कारण व्यक्ति हर किसी से जुड़ा हुआ होता है और उसके द्वारा वो अपने स्वभाव और अनुभव के आधार पर अपने अवसर का लाभ उठा सकता है और सही समय पर सही निर्णय ले सकता है। तो एक व्यक्ति का स्वभाव अनुभव भी एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक हो सकती है। दूसरी बात अगर हम देखें तो फैसला व अंतर्ज्ञान मतलब जजमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। तो जब हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का स्वभाव एवं अनुभव अलग अलग होता है और उसके आधार पर उसके निर्णय प्रभावित होते हैं। तो अगर हम ये देखें तो ये व्यक्ति की जो निर्णय लेने टेक्निक उसके मनोवैज्ञानिक आचरण पर भी निर्भर करती है, क्योंकि आज व्यक्ति जब निर्णय लेता है तो उसका मस्तिष्क उस पर विचार करता है, वह अपने विवेक का उपयोग निर्णय लेने में करता है। तो इस तरह अगर हम देखें तो कोई भी जटिल निर्णय लेने के लिए व्यक्ति का फैसला लेने की शक्ति और उसका अंतर्ज्ञान मतलब उसका मनोविज्ञान काफ़ी हद तक उसकी सहायता करता है। तो जो भी ये भी निर्णय लेने में मददगार सहायक होता है। इसी प्रकार अगर हम अगला बिंदु देखें तो वह सामूहिक निर्णय। सामूहिक निर्णय बच्चों एक अच्छी तकनीक मानी जा सकती है, क्योंकि आज हम प्रबंध की बात करें तो प्रबंध में आप कर्मचारियों को सहभागी बनाते हुए वर्कर पार्टिसिपेशन को अपनाते हुए निर्णय अधिक अच्छे तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि आज हर व्यक्ति की कार्यक्षमता सोचने की शक्ति विवेकशीलता का स्तर अलग अलग होता है। हर व्यक्ति के निर्णय विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो एक प्रबंधक को अपने कर्मचारियों के निर्णय का स्वागत करना चाहिए और सामूहिक रूप से सदैव निर्णय लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अकेला व्यक्ति जितना अच्छे से नहीं सोच पाएगा उतना सभी व्यक्ति समूह मिलकर अच्छा निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे। तो सामूहिक निर्णय लेना भी एक अच्छी निर्णय लेने डिसीजन मेकिंग टेक्निक अच्छी साबित हो सकती है। इसी प्रकार अगर हम देखें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध की जो सिद्धांत हमने देखे हैं, आधुनिक प्रबंध जो हेनरी फ्लोरिक सिद्धांत है और वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत जो टेलर के दिए हुए हैं, उन दोनों ही सिद्धांतों का पालन करते हुए एक प्रबंधक अच्छे निर्णय ले सकता है। लेकिन अगर हम ये कहें प्रबंध के सिद्धांतों को एज ए टर्म लागू नहीं कर सकते, क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत या परिस्थिति नहीं है, ये बिहेवियरल अप्रोच से जुड़े हुए हैं। यानी प्रबंध शुद्ध विज्ञान नहीं है बल्कि कला विज्ञान का संगम माना गया है। तो जैसी परिस्थिति हो उसके अनुरूप निर्णय लेना प्रबंधक को आना चाहिए। तो प्रबंध के सिद्धांत भी निर्णय लेने के टेक्निक के रूप में उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखिए संस्था के अंतर्गत जो पढ़ने का परंपरा है, संस्था में जो डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं पिछली संस्था में पिछले कई सालों से क्या कार्य हो रहा है, संस्था के जो पढ़ने के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके आधार पर भी निर्णय लेने में आसानी होती है। संगठन का स्तर कैसा है, संस्था की जो नीति पुस्तिका और नियम उन्होंने बना रखे हैं उनको किस प्रकार फॉलो किए जा रहे हैं, हमने पहले किन नियमों का पालन किया जो हमें पढ़ना अपेक्षित परिणाम मिले, इन सभी बातों का विस्तृत अध्ययन करके वो सही निर्णय ले सकता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये हमारी परंपरागत तकनीकों पर शामिल तकनीकें थी जिसका हमने शिक्र किया। अब हम देखते हैं परिमार्जन तकनीकें आधुनिक तकनीकें जिनके अंतर्गत हम अपने निर्णय लेने के लिए सांख्यिकी विधियों का उपयोग भी करते हैं। तो इसमें पहली विधि जो हमारी आर्थिक एवं वित्तीय विधि मीन्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टेक्निक्स।
तो निर्णय के क्षेत्र में अगर हम देखें तो आर्थिक विचारधारा और सीमांत विश्लेषण सिद्धांत का भी काफ़ी योगदान माना गया है। आर्थिक या वित्तीय विधियों के माध्यम से संस्था में अपनी समस्या के सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने में सफल हो पाते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि आज हमारे संस्था में जो संसाधन लगे हुए होते हैं भौतिक और मानवीय संसाधन, उनका अच्छे से उपयोग हम तभी कर पाएंगे जबकि हम सही निर्णय ले पाएंगे। तो इसीलिए आर्थिक और वित्तीय विधियों का उपयोग करके एक प्रबंधक अच्छा निर्णय ले सकता है। इसी प्रकार अगला जो प्रकार है हमारा, वो है क्रियात्मक शोध, जिसे हम इंग्लिश में ऑपरेशन रिसर्च भी कहते हैं। तो किसी भी पूर्ण लक्ष्य की पूर्ति के लिए विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना परिणामात्मक आधार प्रस्तुत करता है। तो इसके लिए हम क्रियात्मक शोध का उपयोग भी करते हैं। तो क्रियात्मक शोध ऐसे प्रस्तावित विकल्पों का जिसमें मानव एवं यांत्रिक प्रणाली निहित हो सके संबंध में अनुमान लगाना है, जिसके द्वारा हम सही निर्णय ले पाए और उसमें हम अपने निर्णयों का लागत और समय और साधन के हिसाब से तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं, जिसके आधार पर हम ये देखते हैं कि हमारी लागत समय और संसाधन के हिसाब से कौन सी टेक्निक हमारे लिए सूटेबल है, संस्था के इतना फिट बैठती है उसी को हम अपना लेते हैं। तो क्रियात्मक शोध में बच्चों अगर हम देखें तो कुछ तकनीक शामिल मानी जाती है, जैसे संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का हम देखें तो भविष्य के क्या होने वाला है उसका पूर्वानुमान लगाना तो हम सटीक नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ हद तक हम उसका अनुमान भूतकाल के आधार पर लगा सकते हैं। तो उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि भविष्य में क्या घटना होने की संभावना बनती है। सेकंड जो हम देखें क्रियात्मक शोध में, वो है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी यही कहती है कि प्रत्येक खिलाड़ी या कॉम्पिटिटर की चाल को काटते हुए अपने लाभ को अधिकतम और हानि को न्यूनतम करने के लिए हमें अपने प्रतिद्वंदी की क्रिया को ध्यान में रखना है। क्योंकि जिस प्रकार आज हम खेलते हैं, गेम खेलते हैं, गेम कोई भी हम गेम क्रिकेट हो या लूडो हो, तो हम सामने वाले अपने कंप्यूटर प्रतिद्वंदी टीम को ध्यान में रखते हुए अपना चाल चलते हैं। तो उसी प्रकार गेम थ्योरी जो है वो निर्णय के अंतर्गत भी अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत एक व्यवसायी या प्रबंधक अपने जो कॉम्पिटेटिव मार्केट में जो प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रतिस्पर्धी की क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी मोर्चाबंदी या अपनी रणनीति तय करता है। इसी प्रकार अगला बिंदु है हमारा कतार सिद्धांत, मतलब पंक्ति बंधन सिद्धांत, जो ये कहता है कि किसी भी निश्चित सेवा बिंदु के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों या वस्तुओं या कहें विलंब बाधाओं को दूर करने के लिए हमें प्रतीक्षा समय को न्यूनतम करने के तरीके को अपनाना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी अपने व्यवसाय भाग की बात करें, उसको प्रतीक्षा पंक्ति में रखोगे तो कब तक आपका इंतजार करेगा? यदि आपने समय पर उसका कार्य या उसकी प्रतीक्षा उसकी कतार को कम नहीं किया तो हो सकता है वो आपकी जो ग्राहक श्रृंखला से हटकर नई श्रृंखला में चला जाए, उससे आपका ये ग्राहक आपको कम हो जाएगा। कहने का आशय है यही है कि ये सिद्धांत इन सही प्रकार के निर्णयों में उपयोग में किया जा सकता है जहाँ पर किसी तुरंत तत्व को तुरंत उपयोग में लाने की समस्या होती रहती है। इसी प्रकार अगर हम देखिए लाइनर प्रोग्रामिंग भी जो हम ऑपरेशन रिसर्च में शामिल निर्माण माना जाता है, इसके माध्यम से भी हम निर्णय लेने में सफल हो पाते हैं। तो इस तरह का बच्चों हम देखें तो आज हम देखें तो खूब सारे सिद्धांत के मॉडल्स और ये सांख्यिकी विधियों में जो हम अध्ययन करेंगे तो आपको खूब सारे वो मेथड टेक्निक्स मिलेंगी जिसका प्रयोग करके हम निर्णय लेने में सफल हो पाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो एक व्यक्ति जो होता है उसका मानव व्यवहार काफ़ी हद तक संस्था के कार्यों पर प्रभाव डालता है। एक मानव का व्यवहार उसे सीखने की क्षमता, उसकी विवेकशीलता, दूरदर्शिता, भविष्य संदर्भ में सदैव परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता, इस जितने अच्छे गुण किसी प्रबंधक में होंगे या व्यक्ति में होंगे उतने ही निर्णय लेने में सक्षम हो पाएगा। एक प्रबंधक होने के नाते प्रबंधक को सदैव परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए और इसी के साथ जो नई नई तकनीकी ज्ञान अवसर उनको सदैव उसके हित में सोचते हुए कार्य करने को तत्पर रहना चाहिए। तभी प्रबंधक अपने श्रेष्ठ लक्ष्य कार्यों द्वारा अपने सही निर्णय लेकर संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाएगा।